जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आपको समझता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं आप कुछ भी समझे, नहीं आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ आपके मन में। छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में उस दायरे में आप बात कर रहे हैं। जवाब जवाब ठीक है। पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं, जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं, सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं, पहचान गए इसलिए इनको चिंता हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ वरिष्ठ पत्रकार और फिलहाल कांग्रेस के नेता और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे से पहचान बनाने वाले कन्हैया कुमार के बीच में। दोस्तों डिबेट में वरिष्ठ पत्रकारों ने जिस तरह से इनकी सुताई की है उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है, आपको मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र यही दिक्कत, मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं आप कुछ भी समझे, नहीं आप सही तरीके से सवाल, पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं आपके मन में। सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं, जिम्मेवार नहीं हूं। सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे आपको, अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब, लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, ये और ये, पार्टी ये के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे, इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं सर, ये बहुत कन्हैया जी सभी प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता नहीं है। आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन कौन आ रहे हैं? अशोक जी एक मिनट, आप सवाल पूछ लीजिए। देखिए मैं फिर सवाल, सीधा सवाल पूछिए, मैं फिर से सवाल दोहराता हूँ। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है चाह रहे हैं और ये सवाल कि है। नहीं मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान, नहीं ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने, सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं सवाल है, सवाल पूछिए, बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए, बताइए ना सवाल पूछिए। कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए, किस क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और बेहयाई जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है, और बेहयाई करने का ये सवाल ये सर ये भाषा का इस्तेमाल है बिल्कुल से ज्यादा लीजिए कर रहे हैं, चिल्ला लीजिए का फर्क पड़ता है। एक मिनट सर, सर 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 बदतमीजी ये भाषा ठीक नहीं है। कन्हैया जी एक मिनट, एक मिनट ये निशान जी, हर्षवर्धन जी निशान जी, निशान जी मैं इनको जानता हूं, यदि ये पूर्वक ये हद में रहे, एक मिनट एक मिनट ये हद में रहे मैं इनको जानता हूं। जी हर्षवर्धन जी एक सेकंड, आप हद में रहे मैं इनको जानता हूं। कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट सर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं बोल रहा हूं, आपकी वो भाषा चलेगी सर? ये शब्दों का कन्हैया जी, कन्हैया जी इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं नहीं आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट छात्र अध्यक्ष होना, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी होशियारी हम समझते हैं, एक सेकंड सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए प्रोपेगेंडा का जवाब। एक मिनट एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, उसके अलावा कौन? नहीं नहीं सुनिए ना, बताइए। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में उस दायरे में आप बात कर रहे हैं। आपने अपना जवाब रखा, ठीक है मैं सर पर्सनली हूं सर, एक मिनट आप जवाब थोड़ी ना हद तय करेंगे। राहुल जी, राहुल जी कन्हैया जी एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है वो सुन लो, और आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, पूछिए आप हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर प्लीज कहने दीजिए। हां जी जाइए,
राहुल जी सवाल पूछिए। कन्हैया मेरा सवाल ये है, योर माय गेस्ट, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ही विल नॉट इंसल्ट, नो, मैंने उनसे बोला नहीं सर, पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल। हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं, कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए कोई भी बात आप हम करते हैं वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा पूरा। वो अमेरिका से बड़ा नहीं नहीं, वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं, कोई ईसाई महिला जा रही है उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित है तो ये गंभीर मामला है। क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूँ और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, तो फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो ये तर्क है कि आप घुमा रहे हैं उसको, इंटरनेट पे लाओ जी, मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसी आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं, ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपको लग रहा है? नहीं आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना? हाँ नहीं, मैं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा, आप बोलेंगे ही नहीं। ऐसा जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है, हो रहा है। जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा? देखिए आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। कहेंगे आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं? देखिए फिर ये आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वायद सवाल का देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे कार्यक्रम में यही किया। और मैं पत्रकार हूं, टीवी 9 ने मुझे इसलिए बुलाया, कन्हैया कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हर्षवर्धन जी कन्हैया जी हम भी आपके पूछ के जवाब नहीं देंगे, ये किसी की हैसियत नहीं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं, मुझे तय करें। हम भी आप नहीं तय करेंगे हम कौन? एक मिनट कन्हैया जी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। इस शो में प्रधानमंत्री जी, कन्हैया जी, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें प्रसन्न हूँ, मैं भी खुश हूँ। प्लीज एक मिनट कन्हैया जी, आप गाना गा लो। अब मेरे कुछ सवाल है आपसे, वो एक और रैपिड, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट, इनको एक्चुअली हम पहचान गए इसलिए इनको चिंता हो रही है। इनका नाम क्या है? कन्हैया जी एक सेकंड, सर इनका नाम क्या है? मेरा नाम सुगंध, हम आपको बता सकते हैं। मेरा नाम क्या है? इनका नाम क्या है? आपका सुगंध हम लोग को पता नहीं है। आपका इसमें इसमें हम लोग कितना त्याग किया है पता नहीं है। आपका सुगंध हम को पता चल रहा है। सुगंध सुगंध सर 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 हम लोग का ये आपके पास स्मेल हमको पता चल रहा है। स्मेल कन्हैया जी ये है, एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरा नाम क्या बताने को बोल दो ना प्लीज। मेरा नाम क्या है? प्लीज सर स्मेल किसी का नहीं बता सर, ये मजा आया। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस सुताई के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।